आज ग्रहण किया और मुझे लगता है जम्मू डिवीजन का ये आखिरी डिस्ट्रिक्ट है, इसके बाद इसकी समाप्ति की जाएगी और फिर 2 अक्टूबर को फाइनल कार्यक्रम होगा। अभी जो बड़े लोग हैं वो तो खैर जब से पढ़ाई शुरू करे हैं तब से हर साल देखते होंगे गांधी जी के ऊपर कोई ना कोई कार्यक्रम होता है, लेकिन हर साल कार्यक्रम होने के बावजूद उसकी रेलेवेंस कभी भी कम नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे नीचे एक नई जनरेशन आती जाती है, नए बच्चे आते हैं जिनकी सोच डेवलप होती है इन्हीं कार्यक्रम के थ्रू, इन्हीं प्रोग्राम्स के थ्रू। और आज मैंने जो देखा बच्चों का जो प्रोग्राम था, डेफिनेटली जो आप पार्टिसिपेट करते हो तो अपने आंख नाक कान मुंह खोल के पार्टिसिपेट करते हो, आप जो डायलॉग्स बोलते हो, आप जो गाने गाते हो, इससे बहुत असर पड़ता है, क्योंकि आप लोग सही में समझ पाते हो किताबों के बाहर कि गांधी जी क्या कहना चाहते थे। देखने का मौका मिला आज नागसेनी का, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था। मैं इन सभी लोगों को बहुत बहुत अपना आभार दूंगा और इनको शुभकामनाएं दूंगा। तो 2-3 कार्यक्रम हुए, एक कार्यक्रम हमको हमारी पुरानी संस्कृति की तरफ ले गया, एक कार्यक्रम ने हमको गंदगी और सफाई के बारे में बताया। अभी एनजीओ के माध्यम से पता चला कि नशा एक कितनी बड़ी समस्या है, और जितने भी समाज के वरिष्ठ लोग थे उन्होंने बताया कि कम्युनल हार्मनी के लिए गांधी जी ने क्या कहा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें गांधी जी का कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन इन 4 मैसेजेस के थ्रू आप समझ सकते हैं कि गांधी जी क्या है और वो किस चीज के लिए स्टैंड करते हैं। और जैसे कि मैंने देखा कि प्रोग्राम्स हर साल होते हैं, लेकिन उसमें जो कम्युनिटी की तरफ मैसेज जाता है उसमें डाइवर्स लोग आते हैं हमारे पास। जैसे आज इधर अफसरान महोदय भी बहुत सारे हैं, कम्युनिटी के भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और मैं तो एक स्पेशल शुक्रिया दूंगा हमारे प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल को, जो कि हमेशा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आगे खड़े रह के काम करते हैं, और कोई भी प्रोग्राम हो उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या एजुकेशन डिपार्टमेंट अकेला नहीं है। मैं इसीलिए सीओ साहब को कह रहा था कि भाई बच्चों को जाने से रोको, क्योंकि ये जो मैसेज है ये तो इन्हीं के लिए है। जितने भी हम एल्डर लोग हैं हम लोगों ने तो ये मैसेज सुना ही हुआ है। और ऐसा भी होता है कि जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं, क्लास 1 से 5 तक कोई बात सुन के आए हैं, 6ठी क्लास में डेफिनेटली कोई नई चीज मिल जाएगी। जब मैं स्कूल में था तो ऐसे के लिए कोटेशंस वगैरह और कोट्स वगैरह को हम लोग डाउनलोड करते थे, कई किताबों से लिखते थे, तो हर दूसरा तीसरा कोट लोग बोलते थे गांधी जी का है, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, बी द चेंज यू वॉन्ट टू बी। तो इस तरह की गांधी जी की कई सारी बातें हैं जो कि भले ही उन्होंने बोली हो या किसी और से ली हो, बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि इवन जो अहिंसा का प्रिंसिपल था उन्होंने टॉलस्टॉय की काफी सारी चीजों को सीखा, और साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे, और इसीलिए उनकी किताब भी है जो इन्हीं तरह के एक्सपेरिमेंट्स को बताती है कि जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे तब जाके फाइनली नॉन वायलेंस का तरीका निकला। तो अभी जितने भी इधर यूथ हैं मुझे डेफिनेटली पता है पूरे जोश और खरोश में रहते हैं, और टीनेज में हम लोग भी ऐसे ही थे, लेकिन जैसे जैसे आप लोग कॉलेज में जाएंगे, जैसे जैसे आप लोग बड़े होंगे, आप लोगों को रेलेवेंस समझ में आएगा कि जो हम लोग इन मीटिंग्स में बोलते हैं कहीं ना कहीं लाइफ में उसका एक मैसेज रहता है। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में भी और 2 अक्टूबर को भी जो प्रोग्राम्स आने वाले हैं उसमें सभी लोग, पूरे किश्तवाड़ की जनता मिलकर भाग लेगी, और डेफिनेटली कम्युनल हार्मनी के ऊपर काफी चीजें बोली गई हैं। एज अ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग नो नॉनसेंस एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे, जिसमें सभी लोग हमारे लिए बराबर हैं, सभी लोग लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करें, और सभी लोग गांधी जी के प्रिंसिपल्स पर चलें। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।